जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ के फिजिक्स के सीरीज में हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर शुरू किया था, जिसके हमने ऑलरेडी दो पार्ट कवर कर लिए थे। मैंने लास्ट टॉपिक आपको न्यूटन्स के सेकंड लॉज ऑफ मोशन और थर्ड लॉज ऑफ मोशन कराया था। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें न्यूटन्स लॉज के आधार पर उसका डेरिवेशंस और साथ में उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, उसको हम आज कवर करेंगे। और उसके बाद मेनली इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है हम लोग उसको भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, है ना। देखिए हमारा टॉपिक क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका नाम ही है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे एक वर्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका मतलब समझिए, मोमेंटम का मतलब हमने क्या समझा था लास्ट टॉपिक, हमने मोमेंटम कवर किया था, जिसको हमने देखा था कि मोमेंटम का मतलब क्या है, किसी चीज़ का एक रेक्टिफिलेशन या उसका इम्पैक्ट। हमने क्या देखा था, मोमेंटम का मतलब क्या था बेटा, उसका इम्पैक्ट, ठीक है, क्या प्रभाव होता है। और यहाँ पे कंजर्वेशन वर्ड इससे पहले भी आपने कवर किया हुआ है। कंजर्व मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित करना, किसी का संरक्षण। तो यहाँ पे आखिर ये क्या कहना चाह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे मतलब ये है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होता है ना, और उसके बेसिस के लिए एक लॉ है। तो आखिर मोमेंटम का यहाँ पे कंजर्वेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब ये है बेटा कि जो मोमेंटम होता है एक्चुअली जो इनिशियली होती है वही जो मोमेंटम है ना वो फाइनली भी होती है। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होता है अगर वही सेम मोमेंटम आपका फाइनली हो जाए तो ऑब्वियसली इनिशियल मोमेंटम आपका बदला गया, इम्पैक्ट तो वही का वही रह गया। तो इसीलिए कहते हैं इसको कंजर्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, एक छोटे से स्लाइड से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, एक ये क्या है, एक ट्रक है और यहाँ पे एक कार है। ये दोनों कार ठीक से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली इसका स्टेटमेंट क्या आता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड का मतलब होता है मिलते हैं, टकराते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, टकराएंगे, तो क्या होता है, जो उनका टोटल मोमेंटम है किसका, उन दोनों ऑब्जेक्ट का, बिफोर कोलिजन, ऑब्वियसली इनके पास और इसके पास दोनों के पास एक एक मोमेंटम है, तो जो पहले का जब मोमेंटम है टकराने से वो बराबर होगा किसका, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जब ये टकरा जाएंगे उसके बाद के कोलिजन्स के। मतलब कि ये देखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आके टकराए और टकराने के बाद, यहाँ पे टकराए तो उससे पहले जो उनका मोमेंटम था टकरा गए, उसके बाद ये ऑब्वियसली रिवर्स जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे जो इनका मोमेंटम होगा कोलिजन्स के बाद वो भी इक्वल होगा। ऑब्वियसली इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, तो उनके वेलोसिटी में चेंजेज आए होंगे, क्या होगा कैसे होगा वो सारी चीज़ें हमको कवर करनी है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन ये दोनों जब आपस में टकराए होंगे, तो सपोज करिए इस कार का फोर्स हो F1 और इस ट्रक ने फोर्स लगाया F2, क्योंकि फोर्स तो सेम होगा नहीं क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है। तो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट ने अलग अलग फोर्स लगाए होंगे F1 और F2, तो उनका मोमेंटम क्या होगा। तो इसके लिए ना इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसी में उसका डेरिवेशन भी करेंगे। क्वेश्चन ऐसे होता है बेटा, डिड्यूस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आधार पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आधार पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करिए, एक्सप्लेन करिए, सेम थिंग्स है। तो उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हैं, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसे हमने बेटा फिगर में देखा था कि दो ऑब्जेक्ट्स था, एक कार और मास, तो सपोज करिए कि दो बॉडीज है ए एंड बी, हमने मान लेते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट था क्या था बेटा, एक ए है और दूसरा बी है, मासेज एम ए, ए का मास मान लीजिए एम ए है और बी का मास बेटा क्या है एम बी, ओके, मूविंग द सेम डायरेक्शंस। सपोज ये इनका डायरेक्शंस और इनका डायरेक्शंस दोनों का सेम है, विथ वेलोसिटीज यू एंड यू बी। सपोज इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू ई है और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू बी मान लेते हैं, रिस्पेक्टिवली सच दैट यू ए ग्रेटर दैन यू बी। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसको समझिएगा ज़रा। यहाँ पे सपोज ये बॉल था, ऑब्जेक्ट ये है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ओके, मैं इसको थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट जिसको मैंने ए बोला है, इसका मास एम ए है
इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम बी है और इनिशियल वेलोसिटी यू बी है, ओके। अब क्या होता है बेटा कि अगर ये सेम डायरेक्शन मूव करे, अब मुझे बताइए अगर इन दोनों की वेलोसिटी को मैं सेम कर दूँ तो क्या ये दो बॉल आपस में, ये या दो ऑब्जेक्ट आपस में कभी टकरा सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। अगर ये दोनों सेम स्पीड से जाएंगे तीन दोनों का गैप हमेशा सेम होगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट से ए ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज़्यादा ले रहा हूँ बी से, इसलिए हमने क्या लिखा है कि यू ए ग्रेटर दैन यू बी। क्यों? क्योंकि जब इस ऑब्जेक्ट का स्पीड इससे ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी तो इसे टकरा सकती है ना, तो हमें तो टकराना है, इनमें कॉलिजन करवाना है। कॉलिजन कब होगा बेटा? जब इस बॉल की या इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इससे ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हमने क्या लिया बेटा यू ए ग्रेटर दैन यू बी। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? ताकि एक दूसरे से टकराए। तो ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ देर बाद ये दो बॉल आपस में, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाएगा। मान लो इसमें टकराने में इनको लगा टाइम स्मॉल टी, ठीक है। तो अब ये कहानी थी पहले की, अब जब ये टकराएंगे तो बेटा होगा क्या, ऑब्वियसली ये रिवर्स जाएगा इधर और ये बॉल रिवर्स जाएगा इधर, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से रिवर्स जाएंगे तो क्या इनकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी क्या? ऑब्वियसली बदली थी। तो पहले वेलोसिटी यू ए है, मान लो इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई होगी वी ए और इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी बी। ये ए और बी हम लोग क्यों साथ में लिख रहे हैं बेटा? बस सिंबल के लिए, ताकि ए का पता चल जाए वी का पता चल जाए। तो ये लिखा गया लेट देयर वेलोसिटीज बिकम्स वी एंड वी बी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है बेटा ए, ये ऑब्जेक्ट है बी, हमने मान लिया इस ऑब्जेक्ट का मास एम ए है, इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, इस ऑब्जेक्ट का मास बी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा यू बी। हमने क्या किया कि यू ए वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट का बी से ज़्यादा लिया। क्यों? तो ताकि ये इससे टकराए, कॉलिजन करे, जो कि सेम डायरेक्शन में ना, टकराने के लिए पीछे वाले को तेज भागना पड़ेगा। अब ये कहानी थी बिफोर मोमेंटम वाली, बिफोर कॉलिजन वाली सॉरी। अब क्या होगा, कुछ समय बाद मान लेते हैं टाइम टी के बाद ये दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है। टकराने के बाद क्या होगा बेटा? टकराएगा तो ऑब्वियसली दोनों पीछे आएगा, एक दूसरे को रिवर्स करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स लगेगा। अब उन दोनों के फोर्स ने, अब ये देखो, इस ऑब्जेक्ट ने इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, इस ऑब्जेक्ट ने इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसके कारण ये दोनों वापस जाएंगे, और वापस जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी भी बदलेगी। तो वेलोसिटी मान लेते हैं इनकी वेलोसिटी क्या है, फाइनली वी ए और वी बी। इतनी कहानी, ये क्लियर हो गई। अब चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या होगा, जैसे यही चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, देखो एम ए एम बी यू ए और यू बी, ये बिफोर कॉलिजन है। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा बेटा, ये देखो बॉल टकराया। तो अब यहाँ पे देखिए ठीक से, ये ए और बी है, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो ये बी फोर्स लगाएगा वो क्या होगा बेटा, एफ बी ए। एफ बी ए का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ बी ऑन ए। देखो बी ए का मतलब क्या है, यहाँ पे समझिएगा, एफ बी ए का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिखो बोलोगे फोर्स ऑफ बी ऑन ए, ओके। एफ बी ए का मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ बी ऑन ए। सेम एज एफ ए बी का मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा फोर्स ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसलिए इसका फोर्स है एफ बी ए, इसका फोर्स है एफ बी, और दोनों का डायरेक्शन रिवर्स है, ओके। मास तो सेम ही होना है, तो ये कॉलिजन के समय है। कॉलिजन के बाद क्या होगा, ये इसको नोट कर लेना बेटा आप लोग, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जब कोलाइड हो जाएगा तो आफ्टर कॉलिजन दोनों का ऑब्वियसली वी और वी बी वेलोसिटी बदल गई, मान लो वी और वी बी है। तो ये हमारा एक दो सीन बना, एक बिफोर कॉलिजन, ये ड्यूरिंग कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन, ठीक। अब चलिए इसको डिराइव करते हैं। तो अब देखिए, जो मैंने आपको बोला फोर्स एग्जर्टेड बाय ए ऑन बी, एफ बी ए जो था बेटा, ये एफ ए बी सॉरी बाय ए ऑन बी है, बी ऑन यानी ए ऑन बी, तो एफ ए बी ए के द्वारा जब बी पर फोर्स लगाएगा वो क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए क्या होगा, पहले ये देखिए, मोमेंटम क्या था, इनिशियल क्या था बेटा ऑब्जेक्ट का, एम ए मास था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू ए, और फाइनल क्या था इसका बेटा, एम ए वी ए, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होगा, ऑब्वियसली इसको हम ऐसे लिखते थे ना, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर हम लोग एम ए कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो क्या बचेगा,
एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी। तो ये क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। ओके तो देखिए एक बार, ये आ गया, इसी को यहां पर लिखा गया डायरेक्टली बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम ए वी ए माइनस यू ए बाय टी। सेम एज एफ बी ए की वैल्यू क्या होगी, फोर सब भाई एफ बी ए की वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम, सेम यही फॉर्मूला हो जाएगा एम बी वी बी माइनस यू बी, जैसे मैंने बताया था अभी, सेम ऐसे ही एम बी वी बी माइनस यू बी बाय टी। आई होप ये सिंपल, जैसे ये हमने निकाला था उसी तरीके से इसको भी निकालना है। अब चूंकि बार बार एक ही चीज़ को निकालने की जरूरत नहीं, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल गया। आपको पता है जब बॉल ऑब्जेक्ट टकराने के बाद या बॉल टकराने के बाद जब वापस जाएगी तो वहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा बेटा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ इक्वल रिएक्शन फोर्स, हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है। तो अगर ये बॉल इससे टकराया होगा, ये बॉल इससे टकराएगा, दोनों वापस गया, ऑब्वियसली सेम रिएक्शन लगा होगा ना, इसका मतलब बस डायरेक्शन अलग होगा, है ना। तो क्या होगा बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ पोजीशन क्या बोलता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन माइनस रिएक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, एफ ए बी किसके इक्वल होगा, माइनस एफ बी ए के। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्शन एफ ए बी है किसके, एफ बी ए के बाहर, लेकिन रिएक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो अब देखिए हमारी जो वैल्यू है, अगर इन दोनों को हम पुट करें तो क्या होगा बेटा, ये वैल्यू इसके लिए है और ये वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए माइनस एफ बी ए के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम ए बी ए माइनस यू ए बाई टी एंड माइनस एम बी वी बी वी माइनस टी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब बचेगा क्या, इसको अगर डिराइव करोगे, इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा, देखो एम ए मल्टीप्लाई करो वी ए माइनस एम ए यू ए और इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये माइनस एम बी वी बी और ये माइनस माइनस प्लस प्लस एम बी यू बी। अब क्या करिए बेटा कि दोनों भी ए वाला भी वाला, दोनों जो पॉजिटिव वाले हैं, इसको इनिशियल वाले को एक साथ रखिए, फाइनल को एक साथ करिए। तो इनिशियल कहाँ बेटा, एक ये और एक ये, तो इसको अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो आप इसको लिख सकते हो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये किसके इक्वल होगा, ये नेगेटिव, देखिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है, ये जो बेटा आया, ये एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी क्या है, ये मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी, यानी कि दोनों का मोमेंटम कब, इनिशियल इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम, है ना। और ये क्या बेटा, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो यही तो हमारा स्टेटमेंट था ना, कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर इनिशियल है और फाइनल है, वो दोनों आपस में इक्वल होता है, इसीलिए तो ये लॉ बोलता है कि कंजर्व्ड होता है। तो देखिए यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे होता है ये कंजर्व्ड। समझ में आया बेटा, तो वही चीज़ें है। देखिए यहाँ पे आप स्लाइड को देख लीजिए एक बार, यहाँ पे माइनस पार्ट है, इक्वल टी कैंसिल हो गया था, तो दोनों पार्ट इधर ले आए इनिशियल और ये फाइनल। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल मोमेंटम यहाँ बेटा माइनस, ऑब्वियसली ये प्लस में होगा, माइनस 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 कॉमन ले लीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या बेटा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के इक्वल हो गया, और इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, माइनस बस निगेटिव साइन क्या बताएगा उसका, डायरेक्शंस ऑब्वियसली लॉ क्लियर होगी। ये इसको पॉजिटिव कर लीजिएगा बेटा, देखिए यहाँ पे यू ए है, इससे प्लस जाएगा, ये दोनों प्लस में होगी, यहाँ पर गलत है, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये इनका लॉ था जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बेस्ड पे है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का थ्योरेटिकली, जिसमें हमने डेरिवेशंस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब एक लास्ट केस समझ लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से गन का, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं या केस दिए गए हैं वो गन का ही दिया गया है। तो आखिर लॉज ऑफ मोशंस और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गन के हिसाब से कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये गन है, अब गन में होता है क्या बेटा, एक होता है ये गन और दूसरा होता है बुलेट, नहीं ऑब्वियसली बुलेट को गन के अंदर लोड करते हैं। तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों का मास भी अलग अलग होता होगा, इसका मास अलग होता होगा, इसका मास अलग होता होगा। जब ये बुलेट इसके अंदर आ जाता होगा तो दोनों का मास हो जाता होगा कंबाइंड,
नहीं, ये कंडीशन होती होगी ना। तो कंडीशंस क्या होती है, जब बुलेट के अंदर, गन के अंदर बुलेट होता है, तो जब दोनों स्टेटिक में होते, जब फायर नहीं होते, तो एक कंडीशन वो होती है, और एक कंडीशन होती है जब फायर हो जाती है। तो जब फायर होती होगी तो बुलेट बाहर निकलती होगी, तो उस समय कंडीशंस क्या होती है, इसको समझना है। देखिए मास क्या बेटा, मास ऑफ बुलेट, चलिए मास ऑफ बुलेट मान लेते हैं बेटा M1 है, ठीक, मान लेते हैं मास ऑफ गन M2 है, ओके। हमने इसका मास क्या माना बेटा, M2, इसका मास क्या माना है M1, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक। इनिशियली दोनों क्या बेटा, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इसको मान लो UA और इसका मान लो U2, इसका हमने क्या मान लिया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या बेटा, बुलेट का मान लेते हैं U1 और इसका मान लेते हैं U2, ओके। ये फाइनल, अब फाइनल वेलोसिटी बेटा जब वो फायर हो जाएगा तो कुछ तो बदल गया होगा ना वेलोसिटी दोनों का। तो मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इसका V1 है और इसका मान लेते हैं बेटा V2 है, ठीक, गन का, क्योंकि गन में भी तो कुछ वेलोसिटी आई होगी ना। तो अब ये होगा क्या, लेट सी है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को लगाया तो हमको पता है कि टोटल फाइनल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, तो क्या इक्वल होगा क्या, तो देखिए होना क्या बेटा, M1 V1 प्लस M2 V2, यही है ना हमारा, ये किसके बराबर होना चाहिए, M1 E1 प्लस U2 V2 का। इसका मतलब ये है कि अगर गन एंड बुलेट इनिशियली चूके होते हैं रेस्ट में, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी तो भी क्या जीरो के बराबर होती होगी, क्यों, चूँकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों के जीरो है ना बेटा, मोमेंटम को पहले गन और बुलेट दोनों जीरो में होते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या होगी, ऑब्वियसली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो चूँकि ये रेस्ट में है तो ये दोनों मास कुछ भी हो अगर आप जीरो से करो तो ये टोटल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या फाइनल मोमेंटम भी जीरो होता है क्या, जीरो। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, देखिए यहाँ से बुलेट फायर हुआ, अब बुलेट फायर होगा तो देखो बेटा M2 V2 ये किसके इक्वल होगा बेटा, अगर ये मान लो G1 M1 V1 प्लस M2 V2 क्या होगा, इनिशियल के बराबर जीरो, तो अगर इसको हम इधर लेके आए तो ये माइनस में चला जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं M2 V2 इक्वल टू माइनस M1 V1। तो अगर मुझे सिर्फ V2 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस M1 V1 बेटा, बेटा क्या हो जाएगा बेटा, ये M2। यानी कि अगर हमको सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो गया, माइनस M1 V1 बाई M2, मतलब M1 मास है, V1 बाई दोनों मास का निगेटिव, मतलब क्या बता रहा है बेटा कि निगेटिव डायरेक्शन क्या बता रहा है, कि ये जो गन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया होगा, नहीं यानी कि जो वेलोसिटी गन को मिली होगी वो देखते झटका कहाँ लगता है, पीछे की ओर ना, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन क्या शो करके दे रहा है कि जो वेलोसिटी होगी गन को कहाँ होगी, अपोजिट साइड्स में, देखिए ऐसे झटका लगता है, और इसी को बोलते हैं बेटा रिकॉइल। ये जो बैकवर्ड मोशन है बेटा गन का उसको क्या बोलेंगे, रिकॉइल। इसीलिए यहाँ पर इस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। आपके क्वेश्चंस में बार बार आएगा कि जब आप बुलेट को फायर करते हैं गन से, गन आगे गई स्पीड कुछ ना कुछ वेलोसिटी बताएगा, तो बताओ वहाँ पे गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पर रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जो बैकवर्ड गन का झटका लगता है वो वेलोसिटी क्या है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम लोग गन चलाते हैं या कोई भी हेवी चीज चलाते हैं तो पीछे को झटका मारता है, दैट इज द रीजन कि जो बड़े बड़े गन्स होते हैं उसको आपने देखा होगा कंधे से फायर करते हैं, क्यों, क्योंकि नहीं तो ये हमारा हाथ ही ब्रेक कर देगा, है ना, हम ये कलाई बहुत मजबूत नहीं होती, इसीलिए हम सपोर्ट के लिए यहाँ डालते हैं, क्योंकि बहुत पीछे को झटका मारता है, अपने टैंक को देखा होगा बहुत पीछे को तगड़ा झटका मारता है, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा रिकॉइल वेलोसिटी। और वहाँ निकालेंगे कैसे, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, माइनस M1 V1 बाय M2, जिससे आप लोग क्या निकाल सकते हो, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन या रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट एंड हो गया, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स जो है बेटा उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर का थ्योरी अच्छे से रिवाइज करिए एक साथ कंजर्व करके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।